मिशन रिपीट के भाजपा के लक्ष्य को हिमाचल में फिलहाल कोई चुनौती नहीं दिखती और हाल ही में हुए ओपिनियन पोल भी भाजपा की बढ़त की ओर इशारा कर चुके हैं। हालांकि राज्य स्तर पर बहुसंख्यक लोगों ने सरकार बदलने के बारे में राय दी, लेकिन विधानसभा सीटवार सर्वे में कांग्रेस उस बढ़त को सीटों में बदलती नहीं दिख रही, जिसकी वजह से भाजपा की ज्यादा सीटें जीतने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। भाजपा को कहीं कोई चुनौती अगर है तो वह है हिमाचल का कर्मचारी तबका, जिसे कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने का स्पष्ट आश्वासन दिया है। जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल में चाहकर भी कर्मचारियों की इस मांग को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इसके लिए उन्हें केंद्र से हरी झंडी चाहिए जो नहीं मिल रही। केंद्र के लिए दुविधा ये है कि यदि हिमाचल में इसे लागू किया जाता है तो देश भर में इसे लागू करना पड़ेगा। केंद्र के लिए कर्मचारियों का तबका या उनकी संख्या कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हिमाचल में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। साल 2017 में 37,50,000 कुल वोट डले थे। साल 2018 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या करीबन 2.25 लाख है, जबकि इससे ज्यादा सरकारी पेंशनर भी हैं। यानी करीबन 5 लाख लोग सीधा सरकार की कर्मचारी नीतियों से प्रभावित होते हैं। हालांकि इनमें केवल कुछ ही हैं जो नई पेंशन स्कीम में आते हैं, लेकिन एक समूह के तौर पर ओपीएस के लिए समर्थन पूरे कर्मचारी वर्ग का है। अब इन 5 लाख लोगों के परिवार में औसत 4 लोग भिन्न पर निर्भर हैं, तो ये संख्या 20 लाख हो जाती है। करीबन 53 लाख के कुल मतों में यदि 20 लाख एक ही विचार को समर्थन देते हैं, तो जाहिर है सत्ता की चाबी हिमाचल में कर्मचारियों के पास है, बेशर्ते वे एक हो सके। साल 1992 के दौरान काम नहीं तो वेतन नहीं नीति लागू करने का परिणाम शांता कुमार की मुख्यमंत्री पद से विदाई रही और वह कभी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकी। उस दौरान में कर्मचारियों के उग्र विरोध और संगठित राजनीतिक शक्ति ने भाजपा को धूल चटा दी थी। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक ये है कि उनके शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है और सरकार बनने पर हिमाचल में भी पहले दिन ही इस बारे में फैसला लेकर हिमाचल में भी ओपीएस बहाल की जाएगी, ये बात कही गई है। कांग्रेस की इस घोषणा का जमीनी असर होते देख अब मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं के रुख में भी इस बार नरमी है। पहले भाजपा की ओर से कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना बहाली कांग्रेस का छलावा है और कांग्रेस इस बारे में गंभीर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भाजपा के प्रदेश के नेताओं को एहसास होने लगा कि कर्मचारियों की नाराजगी की अनदेखी भारी पड़ सकती है। अब मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वह पुरानी पेंशन बहाली का मामला केंद्र से उठा चुके हैं। वहीं भाजपा नेता भी अब कहने लगे हैं कि पुरानी पेंशन केवल मोदी ही बहाल कर सकते हैं। अभी स्थिति यह है कि कांग्रेस अपनी ओपीएस की घोषणा के बाद से पूरे उत्साह में है और कर्मचारी वर्ग के समर्थन के प्रति आश्वस्त है। वहीं भाजपा अभी भी दुविधा में है। उसके नेता चाहते तो हैं कि मोदी की रैली में इस बारे में घोषणा हो जाए ताकि कांग्रेस को मिली मनोवैज्ञानिक बढ़त का मुकाबला किया जा सके, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कोई भी आश्वासन देने से भी परहेज ही किया है। इस बीच कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है और प्रदेश में जगह जगह क्रमिक अनशन जारी है। कर्मचारी वर्ग भी जानता है कि यदि उन्हें अपनी मांग मनवानी है तो यही समय उपयुक्त है और इस समय दोनों ही पार्टियों को उनके विरोध के बीच चुनाव में उतरना कतई गवारा नहीं होगा। लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क रिपोर्ट।